रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 यानी कि रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जो इस भर्ती में आपको आवेदन करना है ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर वैकेंसी दिखाऊं तो आपको यहाँ पर सफाई वाले के लिए वैकेंसी दी गई यानी कि हाउस कीपिंग असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर 10वीं पास से आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी फिल कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो भारतीय रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो यानी कि भारतीय रेलवे की ओर से यहाँ पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और जो वैकेंसी निकाली गई है ये कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर अर्जेंट भर्ती निकाली गई है। मैं आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बता दूंगा आप। और अगर आप 10वीं पास है यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। भले ही आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। बस आपसे यहाँ पर 10वीं पास योग्यताएं ली जाएगी। और जो आपको आवेदन फिल करना है ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर आवेदन फिल करना होगा। मैं आपको बता भी चुका हूँ किस प्रकार से करना है, उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखते रहना है। और सबसे बड़ी बात जो इस भर्ती की होगी, इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगेगा यानी कि बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और जो आपका एग्जाम होना है मोबाइल पर ही आपको यहाँ पर एग्जाम रहेगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है, नोटिफिकेशन में आपको मैं एक बार आपको फुल डिटेल के साथ बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, जिस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उनका नेम रहेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इन ग्रुप में हम आपको डेली जॉब अलर्ट के नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, टोटल आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले फिजिशियन की होगी, फिर आपको यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए होगी, हाउस कीपिंग असिस्टेंट यानी कि सफाई वाले के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको केवल और केवल इस भर्ती में आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है यानी भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग है। GDMO पोस्ट के लिए यहाँ पर 75,000 रुपये से लेकर 95,000 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा। और जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसमें 44,900 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा। और जो सफाई वाले की पोस्ट है उसमें 18,000 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा यानी कि बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जनरल, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिमिट की बात करें, वैसे यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है। अगर आपके 18 ईयर से लेकर 53 ईयर के बीच में है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने तीनों पोस्टों के बारे में भी अलग अलग बताया गया है। GDMO पोस्ट के लिए यहाँ पर 18,000 रुपये चाहिएगी और सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए यानी कि जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और सफाई वाले पोस्ट के लिए 18 ईयर से लेकर 32 ईयर के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। जो आपको एज में छूट दी जाएगी, SC ST वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। और जो एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2020 को की जाएगी यानी कि 1 जुलाई को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 53 से ज़्यादा हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। फिजिकल डिटेल आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी यानी कि अभी कोई हाइट, कोई वेट, कोई आपकी रनिंग यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपने 10वीं 12वीं MBBS की डिग्री आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तीनों पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर आवेदन करते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, तो आपके पास सबसे पहले फोटो सिग्नेचर होना अनिवार्य है, जिसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए फोटो का लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन की डिटेल आपके पास होना चाहिए यानी कि एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कार्ड सर्टिफिकेट और पैन कार्ड और आधार कार्ड यानी कि एक आपके पास ID होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं या फिर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सभी महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे और नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है, तो कम से कम अगर इस वीडियो पे 300+ लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। अगर आज शाम तक इस वीडियो पे 300+ लाइक आ जाते हैं तो मैं आज 9 बजे के आसपास वो वीडियो भी आपके सामने अपलोड
कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप वीडियो इन हिंदी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो भी देख पाएंगे, और क्या पता आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके ये वीडियो भी चेक कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये पोस्ट है सफाई वाले की, इसमें आप 10वीं पास से आवेदन कर पाएंगे। एज आपके 18 से 33 ईयर होना अनिवार्य है। 18,000 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा। आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, और जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना होगा और आप यहाँ से आवेदन भी कर पाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता कर जाना, मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब बात रही नोटिफिकेशन आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो नोटिफिकेशन आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है नोटिफिकेशन जहाँ से आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू फुल नोटिफिकेशन, आप जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो आपके सामने डाउनलोड हो जाए, जो कि यहाँ पर 112 KB के आसपास का है। आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट रहेगी इस भर्ती की, जो नोटिस जारी किया गया है 9/5 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि 9 मई को यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें आपको वैकेंसी के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको एज लिमिट के बारे में बताया गया है। अब बात जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा आपका इंटरव्यू मोड से होगा, यानी कि मोबाइल पर ही आपका एग्जाम रहेगा। मोबाइल के सामने आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि मोबाइल के माध्यम से ही आपका यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है। जो इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए वो आपको हमारी वेबसाइट पर बताया गया है, 17 मई तक आप इस भर्ती का आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पर इसमें साफ साफ बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और अप्लाई करने के लिए आपको सभी महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।